हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो हम शुरू कर रहे हैं अभी। हम लोग अभी एक्चुअली हो ची मिन्ह सिटी से निकल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं दनांग। बट आज का जो व्लॉग है वो एक छोटा सा व्लॉग होने वाला है आप लोग को दिखाने के लिए कि हाउ यू कैन ट्रैवल डोमेस्टिकली फ्रॉम वन सिटी टू अनदर इन वियतनाम। तो अभी हम लोग हो ची मिन्ह से दनांग की हमारी फ़्लाइट है और उसमें लिखा हुआ है कि आपको 4 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। बट हम लोग 4 घंटे तो नहीं बट 3 घंटे पहले तो पहुंच रहे हैं वहाँ पे। एंड 120 मिनट्स पहले लिखा हुआ था कि बोर्डिंग बंद हो जाती है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पहुंच जाएंगे। एंड लेट्स सी कि कैसी रहती है ट्रिप, तो वो भी आपके साथ पूरा शेयर करेंगे। सो अगर आप भी ट्रैवल कर रहे हैं वियतनाम में इंटर सिटी, तो दिस वीडियो वन अभी हेल्पफुल, मैं सब चीज़ें कवर करूँगा इसमें। सो यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब and let's get started. See started. Hey guys, तो हम लोगों का चेकिंग हो गया है यहाँ पे और हमारी जो फ्लाइट थी वो थी 2:35 PM की और बट वो आधे घंटे डिले हो गई है, तो वो 3 PM की हो गई है। इसके साथ साथ जैसे ही चेकिंग करने लग गए थे तो वहाँ के जो क्रू मेम्बर थे उन्होंने हमसे बोला कि आप 100 वियतनामीज डोंग ले करके आप अपग्रेड कर सकते हो टू अ बिजनेस क्लास। तो हमने वो दे दिया क्योंकि 100 रुपीज़ मतलब कि 100 रुपीज़ उनके हमारे मतलब कि टोटल मिला के 300 हुए क्योंकि हम 3 लोग हैं, तो हमारे 3,000 रुपीज़ हुए। तो हमने फिर वो दे दिए क्योंकि हमें लगा कि इट्स अ बिग डील क्यों नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास एक छोटा बच्चा भी है और उसके लिए स्पेस मिल जाएगा। ये हमने किया और अभी हम लोगों का चेक इन वगैरह हो चुका है। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे एयरपोर्ट में और चेक करके आए हैं कि कुछ वेजिटेरियन फूड मिल रहा है यहाँ पे, तो हम लोग अभी वही खाएंगे। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस उतना कुछ हैसल नहीं रही हमें, सेम वही जो इंडिया में रहता है वैसे ही मेरा। स्वप्निल, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, मुझे नहीं कहना है, वेट देख रही थी फ्लाइट और डिले तो नहीं हो गई है। सो यस, चलते हैं। सो ये है यहाँ का सिक्योरिटी चेक इन। यहाँ पे सारा सामान ये लोग चेक इन कर रहे हैं मतलब कि स्कैन कर रहे हैं और यहाँ से हमें आना पड़ता है। और यहाँ पे इन लोगों ने शूज़ भी उतरवाए थे हमारे। और यहाँ पे एकाक्ष सो गया है, उसके स्लीप सोने का समय हो रहा है, तो यहाँ पे हमने उसको ऐसे करके सुला दिया है। और पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं और वहीं पे ही हमारे सारे गेट्स हैं जहाँ पे हमें यू नो फ्लाइट कैच करनी है। सो गाइस, काफ़ी देर वेट करने के बाद हमें एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे हमने कुछ ऑर्डर किया, राइस और वेजिटेबल्स, और सो अपने लिए नूडल्स ऑर्डर करे विद वेजिटेबल्स, तो हमने बस वही खाए और जो कि मुझे ओके ओके लगा क्योंकि पैसों के हिसाब से जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, बट भूख लगी थी तो खा लिया। अच्छे भी हैं, ये राइस नूडल्स हैं। सो गाइस, अभी 3:30 बज रहे हैं और हमारी फ़्लाइट थी 2:30 बजे की, जो कि उन्होंने आते ही हमें बोले थे कि डिले हो गई है 3 बजे की। और जैसे हम लोग लाइन में लगे, कोई न्यूज़ नहीं थी कहीं पर भी, एंड जैसे ही लाइन में लगे 3 बज गए तो फ्लैश होने लग गया कि 2.5 घंटा और डिले हो गया, विच मीन्स 5:30 बजे। और अभी तक भी इंफॉर्मेशन में मतलब कि जो बोर्ड है उसमें हमारी फ्लाइट का सिर्फ अभी तक 3 बजे ही दिखा रहा है और कुछ भी नहीं दिखा रहा है कि कितने घंटे और डिले हुई है। एंड बस बैठे हैं हम लोग एयरपोर्ट पे। अगर हम दोनों होते तो चल चल जाता, बट हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर कुछ है नहीं एक्चुअली करने के लिए कुछ भी। तो और वियतजेट की जितनी भी फ़्लाइट है मैं आपको दिखाता हूँ, वो बोर्ड सारी की सारी डिलेड है 1 घंटा 1.5 घंटे, और हमारी फ़्लाइट तो पता नहीं कितनी देर डिले हो चुकी है। आई थिंक 3 घंटे तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, 2.5 से 5.5 मतलब कि 3 घंटे। कैन यू गाइस सी ऑल द फ्लाइट्स आर डिलेड? हे गाइस, सो अभी 5:30 बजने ही वाले थे, हमारी फ्लाइट का समय होने वाला था, फिर से इन्होंने 1 घंटा लेट कर दिया है। अब हमारी फ़्लाइट आएगी 6:30 बजे, विच इज़ 2:30 बजे से लेके 6:30 बजे, यानी कि 4.5 घंटे इन्होंने हमारी फ़्लाइट डिले कर दी है। आज का हमारा जो भी प्लान था वहाँ पे दनांग में जाके ये करेंगे वो करेंगे बीच साइड जाएंगे, सब कुछ कैंसिल हो गया है। इनफैक्ट हमारा एकाक्ष भी बस जैसे तैसे उसको बिजी रख रहे हैं ताकि उसका ध्यान भटका रहे।
सो गाइज हमारी फ़्लाइट का टाइम था 6:30 बजे, बट आप देख सकते हो घड़ी में इस समय 8 बज रहे हैं और हमारी फ़्लाइट उड़ी भी नहीं थी। हम लोग बस फ़्लाइट में बोर्ड हुए थे एंड दैट्स इट। और हम लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि हमें ऐसा लग रहा था कि बस प्लीज़ फ़्लाइट टेक ऑफ कर ले, हम लोग दनांग पहुँच जाए कैसे भी करके। हे गाइज, सो अभी हम लोग घर मतलब कि होटल आ चुके हैं दनांग के, और एक आक्ष बहुत ज़्यादा खुश है, और जितनी भी थकान थी, जितना भी हम लोग परेशान हो गए थे फ्लाइट को डिले लेकर के, 4-5 घंटे का जो डिले था, होटल को देख करके सब कुछ थकान दूर हो गई, क्योंकि काफ़ी अच्छा होटल है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो हमारा एक्सपीरियंस था वो आज अच्छा नहीं था वियतनाम की डोमेस्टिक एयरलाइंस के साथ, जो कि वियत जेट थी स्पेसिफिकली, और हमारी 2 फ्लाइट और हैं वियत जेट के साथ, जो कि है दनांग से हनोई की और हनोई से वापस न्यू दिल्ली की। नॉट श्योर क्या होने वाला है, आई होप कि अच्छा ही होगा, बट या ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल करने का सोच रहे हैं विद वियत जेट, तो ये सारी चीज़ें होती है। और मैंने इसके बारे में कई सुना भी हुआ है बहुत लोगों से कि ये लोग हमेशा अपनी फ्लाइट को डिले कर देते हैं। सारी फ्लाइट उनकी डिले थी ही 1-1 घंटा 2-2 घंटा, तो बट हमारी फ्लाइट के साथ कुछ अलग ही केस कर दिया था इन्होंने। सो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, अगर हम दोनों अकेले होते मैं और स्वप्निल तो हो जाता मैनेज, बट हमारे साथ छोटा बच्चा था जो कि काफ़ी इरिटेट हो गया था। तो यस, यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब कल से मैं दिखाऊंगा दनांग का पूरा टूर, हम क्या क्या करने वाले हैं। ऐसे तो हमारे पास 3 दिन थे, आज का हमारा आधे से ज़्यादा दिन था कल का और परसों का, बट अब आज का दिन हमारा पूरा ख़त्म हो गया क्योंकि ऑलरेडी रात के 9:30-10 बज रहे हैं। तो अब 2 ही दिन बचे हैं हमारे पास दनांग में, तो हमारा जो भी दनांग का ब्लॉग होगा सेपरेटली उसमें सब कुछ शेयर करूंगा। दैट्स इट टुडेज़ ब्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू सून।